हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट 2 मिनट्स का वीडियो जरूर देखिए और सेकंड हाफ जरूर देखिए क्योंकि उसमें है कुछ खास। तो आज का मॉर्निंग रूटीन मेरा फिनिश हो चुका है और अभी देखिए बाहर का मौसम, थोड़े बादल हो रहे हैं, हल्की सी धूप भी है, कुछ भी हो सकता है, बारिश हो सकती है कभी भी। तो मॉर्निंग रूटीन हो चुका है और मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना लंच प्रिपरेशन। तो मैं बनाने जा रही हूँ इडली सांभर। तो इडली अगर या डोसा हमको अचानक खाना होता है तो हम सेवई का बैटर यूज़ करते हैं, यहाँ ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो ये मैं टाइमर लगा के मैंने इडली लगा दी कुकर पे और मैं 12 to 13 मिनट्स लगाती हूँ और साथ में बना रही हूँ मैं चटनी। चटनी के लिए यूज़ कर रही हूँ हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और ये है मेरा फ्रेश कोकोनट, मतलब ताज़ा वाला नारियल, फ्रेश नारियल। और मैं रोस्टेड इसमें चना दाल यूज़ करती हूँ, नमक है, सॉल्ट टू टेस्ट और वाटर यूज़ करूँगी ग्राइंड करने के लिए। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है लेकिन मैं नहीं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा इसका। और उसमें फिर मैं टेम्पर करूँगी, उसका तड़का लगाऊँगी हींग जीरा और राई का। कड़ी पत्ता मेरे पास है नहीं, अगर कड़ी पत्ता है आपके पास तो कड़ी पत्ता भी डालिए और इस तरीके से चटनी बनाइए। तो देखिए बहुत ही टेस्टी और यमी चटनी बनती है, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है ये चटनी। और मेरी चटनी बनके तैयार है और सांभर बन रही है मेरी, इडली बन रही है। सांभर में मैंने अरहर की दाल में नमक हल्दी डाला और उसमें प्याज टमाटर खीरा डाला मैंने और साथ में मैं डालूंगी ग्रेटेड गाजर। मेरे बच्चों को गाजर पीसेस में नहीं पसंद है तो मैं ग्रेट करके डालती हूँ। साथ में मैं यूज़ करूँगी ड्रम स्टिक जिसको मैं सॉल्टेड वाटर में बॉयल कर लूँगी। कुकर में लगा दिया, सीटी 3-4 सीटी हो जाएगी तो दाल बन जाएगी, उसके बाद मैं उसमें ये ऐड कर दूँगी। ड्रम स्टिक बहुत ही हेल्दी होती है, उसको ज़रूर खाना चाहिए। और मैं जो सांभर पाउडर है वो यूज़ करती हूँ आची का, इसमें प्याज लहसुन नहीं होता एक तो, और दूसरा मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। तो इस तरीके से मैं सांभर बनाती हूँ और इसमें ढेर सारा कोरिएंडर डालूंगी और तड़का लगाऊंगी हींग जीरा राई का, मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है। और इस तरीके के सांभर सबको बहुत पसंद आती है। तो इडली सांभर आज लंच में था हमारे, मैंने राइस भी बनाया था क्योंकि मुझे सांभर राइस भी बहुत पसंद है। और इसके बाद लंच के बाद मुझे जो अपनी लॉन्ड्री का काम करना है, मैंने कपड़े धो के रखे सुखाए थे वो उतारने हैं और मुझे फ्रेश कपड़े, दूसरे राउंड के जो कपड़े मैंने लगाए हैं वो सुखाने हैं। तो लंच के रूटीन के बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ मैं, लेकिन आज रेस्ट नहीं है मेरा क्योंकि मुझे जाना है इंडियन ग्रॉसरी के लिए। तो अभी सब्जी भी लानी है और कुछ चीज़ें लेके आनी क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो बच्चे बहुत ही डिमांडिंग होते हैं तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो सामान जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इंडियन ग्रॉसरी भी जाऊँगी अभी। हमारा लंच हो गया, क्लीनिंग भी हो गई किचन की और ये देखिए कपड़े कैसे ऊपर सूखते हैं, ये मैं दिखा रही हूँ रॉड्स पे, इस तरह से ऊपर फिट कर देते हैं हम। तो कपड़े मौसम बाहर का देखिए कैसा हो रहा है, अभी मशीन में एक बार और के राउंड के कपड़े लगे हुए हैं क्योंकि थर्सडे को मेरी वो लॉन्ड्री नहीं होती है। तो वेडनेसडे को मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 2 बार में सारे कपड़े मतलब धो लूँ। तो क्विक पे लगा रखा है अभी मैंने और ऊपर मेरी वॉशिंग मशीन के ऊपर ही मेरा ड्रायर है जिसमें कि टाइमर है। तो टाइमर में अगर हम कपड़े 1.5 घंटे में लगाएंगे तभी कपड़े सूखते हैं, तो कम से कम 1.5 घंटे चलाना पड़ता है ड्रायर तब कपड़े सूख जाते हैं। और ड्रायर जब चलता है तो थोड़ी आवाज़ भी होती है तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, अर्जेंट जब तक ना हो तब तक यूज़ नहीं करती हूँ, इमरजेंसी में ही यूज़ करती हूँ। और बाहर का क्या सिस्टम है ये तो पता है आपको। अब सारे काम ख़त्म हो गए तो थोड़ा टाइम इनके साथ बिताना है मुझे और ये मुझे चैन से कभी लेटने नहीं देती है, इसका कुछ ना कुछ रहता ही है। तो बस आज उनको स्नैक एंड लैडर खेलना है मेरे साथ, तो मैंने कहा बेड पे ही आ जाओ और मैं साथ में अपना आईपैड में कोई एक वीडियो लगा के देख रही हूँ जो चल रहा है मेरा, और मैं साथ में इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। ये खुश हो जाती है अगर मैं थोड़ा सा इसको टाइम दे देती हूँ तो फिर उसके बाद ये अपना एनर्जेटिक होकर अपना कुछ और काम कर लेती है। अदरवाइज़ क्या होता है अगर मैं थोड़ा भी टाइम नहीं दूंगी तो बिल्कुल बहुत इरिटेटिंग होती है और उसको ऐसे खेलना बहुत पसंद है। मैं हूँ या हबी है, बेटा तो आजकल खेलता नहीं है उसके साथ ज़्यादा क्योंकि वो अपने में ही बहुत बिजी रहता है। तो इनके साथ स्नैक लैडर खेला मैंने और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा टाइम जो है अभी फिर से कपड़े क्योंकि सेकंड राउंड के सुखाने हैं तो वो करना है और मुझे आज इंडियन ग्रॉसरी लेने भी जाना है तो मुझे रेस्ट के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और यूट्यूब का भी काम आज मैंने कुछ भी नहीं किया
और बहुत कम टाइम मिल रहा है मुझे यूट्यूब के लिए, तो मैं ट्राई वीडियो तो शूट कर लेती हूँ लेकिन एडिट नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे वो भी थोड़ा सा लगता है कि मैं कैसे करूँगी, कैसे मैनेज करूँ। आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चों के लिए कुकिंग भी ज़्यादा रहती है मेरी, दिन में 3-4 बार कुकिंग ही रहती है, कुकिंग क्लीनिंग इन सब में ही सारा टाइम चला जाता है मेरा बस। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ छुट्टियां हैं तो, और अभी बस जाऊंगी, अभी थोड़ी सी अपने लिए ग्रीन टी बनाऊंगी और फिर कपड़े सुखाऊंगी। और बेटी गुस्सा हो गई कि आप बस थोड़ी देर मेरे साथ खेलती हैं उसके बाद। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कपड़े जो सूखे हुए हैं उनको निकाल रही हूँ और जो मेरे दूसरे मशीन में जो धुले हुए हैं उनको मैं कैसे सुखाऊंगी। तो ये बहुत ही इजी है, अभी तो मुझे हैबिट हो गई है, जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे थोड़ा सा नया लगता था। अभी बस इन रॉड्स पे ऐसे कपड़े डालते हैं और एक स्टिक है जिसके हेल्प से मैं ऊपर उसको हैंग कर देती हूँ, तो बहुत ही आसानी से इस तरीके से कपड़े सूख जाते हैं। किसी सब्सक्राइबर ने ये पूछा था कि सिंगापुर में इतनी बारिश होती है तो आप कपड़े कैसे सुखाते हैं, तो इसीलिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है, कैमरा फ्लिप करके रखा है जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आए कि मैं कैसे कपड़े सुखा रही हूँ। और मैं अपना ड्रायर यूज़ करती हूँ जब नवंबर दिसंबर में, क्योंकि बहुत बारिश होती है तो उस टाइम पे मुझे यूज़ करना पड़ता है ड्रायर। अभी आजकल जो मौसम है उसमें मैं नहीं यूज़ करती रेगुलरली, कभी कभी अगर ज़रूरत है तो यूज़ करती हूँ ड्रायर में। और ग्रीन टी का टाइम हो गया है तो अब बस चाय बनाऊंगी और ग्रीन टी लूंगी, बेटी को कुछ खाने को दूंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी इंडियन ग्रॉसरी लेने। मौसम अभी ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे तो जा सकती हूँ मैं, देखिए बाहर तो बस अभी निकलने वाली हूँ मैं, बादल थोड़े से, मतलब कभी भी बारिश तो कभी भी हो सकती है तो अम्ब्रेला तो हमेशा ही साथ में रखना होता है। और ये इनकी बातें चल रही हैं, इनका अपना चल रहा है और उनका एक टूथ हिल रहा है तो वो दिखा रही है मुझे, मैं चाय के साथ मारी बिस्किट भी ले रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ इंडियन ग्रॉसरी लेने और देखिए मैं क्या क्या लेके आती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। आज का डे बहुत ही बिजी है, हेक्टिक डे है मेरा, तो वहाँ पर शायद मैं शूट नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी जाऊँगी और जल्दी से आऊँगी। और ये है मेरी इंडियन ग्रॉसरी की शॉपिंग, ये थोड़े से फ्लावर्स है पूजा के लिए, मैंने खीरा लिया है, सीम ली है पतली वाली और कुछ चीज़ें हैं ये सब्जी, भिंडी, करेला, लौकी और आम लिए हैं मैंने, आम और भी बहुत सारे थे जो मैंगो शेक बन गया पहले ही तो कम दिख रहे हैं अभी क्योंकि ये मैंने बाद में शूट किया वीडियो। और ये स्नैक्स आइटम्स लिए मैंने थोड़े क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चों को स्पेशली मेरे बेटे को कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो। और मैगी है, मारी बिस्किट है, राजमा है, उड़द है साबुत, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी फ़ोटो पे क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे सभी वीडियोस को देखिए, मेरे पुराने वीडियोस को भी देखिए प्लीज़। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।